अगर आपको क्रिकेट पसंद नहीं है तब भी ज़रा मेरी बात सुन लें, बिकॉज़ एक बड़ा डीप लेसन आने वाला है, तो शायद आपका भी रूटीन ठीक कर दे, हो सकता है। मेरा तो कर दिया भाई। क्या हाल है ब्रादरान? तो अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता ही होगा, बट अगर आप नहीं देखते तो फिर आपको बता दूं कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त 2020 के फॉर्मेट में पागल हुई हुई है। कंसेक्यूटिवली 11 सीरीज जीत चुकी है, जिसमें उसने बड़ी बड़ी टीमें इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी हराया है अभी रिसेंटली, वो भी 3-0 3-0। और ये बात थोड़ी सी सरप्राइजिंग इसलिए है बिकॉज जहाँ पाकिस्तान की 2020 टीम बहुत अच्छी खेल रही है, वहाँ हमारी ओडीआई टीम माशाल्लाह, थोड़े से माशाल्लाह हाल में। बट ये नई बात कहीं से भी नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान की टीम का हाल हमेशा से ऐसे ही रहा है जब से 2020 इंट्रोड्यूस हुआ है। पाकिस्तान 2020 में कंपैरेटिवली हमेशा बेहतर रही है, और ओडीआई में और टेस्ट में हमेशा लेकिन ट्रेंड एक तरफ, बट अभी हद हो गई है। मतलब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि पाकिस्तान 2020 में सिर्फ जीत नहीं रही, पाकिस्तान T20 में इस वक्त अनबीटेबल है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये नंबर्स बोल रहे हैं, सॉरी मैं नहीं बोल रहा, नंबर्स बोल रहे हैं, नंबर्स। और इस पूरे मिरेकल को इतना क्रेजी डिफाइन किया था, एक आर्टिकल था उसमें दानियल रसूल नाम के कोई फर्द थे, और उन्होंने बड़ा फिट तरीके से इसको डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था ये अब एक बहुत प्रिडिक्टेबल सी बात है कि दुनिया की सबसे अनप्रिडिक्टेबल टीम विच इज पाकिस्तान जीतेगी ये मैच, जो है दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल फॉर्मेट 2020। होपफुली समझ आ गए आप लोगों को यार, बड़ा मुश्किल तरीके से मैंने समझाया, अल्लाह करे समझ में आ गए, अल्लाह करे समझ में। एंड ये बात वाकई सच है, बिकॉज पाकिस्तान की टीम एक इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल टीम रही है ओवर द ईयर्स, कभी वो चैंपियंस है तो कभी वो नंबर 10 है, और ऊपर से T20 वाकई एक बहुत अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है, तो ये बात वाकई सच है। तो मैं टेंशन में आया, सोच में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या सीन क्या है ये कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त T20 में बाप बनी हुई है, डैडी ऑफ ऑल डैडीज, एंड बाकी फॉर्मेट में डैडीज ऑफ ऑल डैडीज नहीं है, ऐसा क्या? बहुत सोचा मैंने, बहुत रिसर्च की मैंने, पूरे पेपर्स लिखे, थीसिस लिखे, आर्टिकल लिखे मैंने, कॉन्फ्रेंसेस कराई, बट वो सारी रिसर्च करने के बाद भाई को एक नेक्स्ट लेवल रियलाइजेशन हुई कि ऐसा क्यों है। पहली बात समझने वाली ये है कि T20 जो फॉर्मेट है वो एक तो बहुत केओटिक है, केओटिक से मुराद के गेम कभी भी पलट सकता है, ऐसा हो सकता है एक बैट्समैन चल गया, उसने बहुत मार दिया, पूरी टीम पलट गई वाली, पूरा गेम पलट गया, और जो पूरे मैच टीम जीत रही थी वो टीम एकदम से हार गई, इस तरह होता है, केओटिक है। नंबर 2, T20 फॉर्मेट जो है वो आउट ऑफ ऑल द 3 फॉर्मेट्स, ODI, टेस्ट वगैरह, सबसे कम डिपेंडेंट ऑन टेक्निक एंड स्ट्रेटजी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी बहुत कमाल हो, बहुत क्रेजी स्ट्रेटजी आपने बनाई है, लेकिन दूसरे टीम के एक बंदे ने 4 छक्के मार दिए, वो आपकी पूरी स्ट्रेटजी जो है ना वो एक डस्टबिन में जाके वो डस्टबिन रोड पे फेंक सकता है। और ये जो दो बातें हैं, केओटिक नेचर और लेस डिपेंडेंसी ऑन टेक्निक, यही बातें एग्जैक्टली हमारे पाकिस्तान के लोकल क्रिकेट के स्ट्रक्चर में भी हैं। पहली बात केओटिक, पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो एक बहुत लाइफ एंड डेथ का मामला होता है उनके लिए, बिकॉज पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपको इतने पैसे नहीं देता, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी उस पर डिपेंड कर रहे हो तो ये सीन है कि अगर आप कामयाब हो गए उसमें, अगर आप पाकिस्तान की टीम में आ गए तो फिर आप क्रिकेट से कमा सकते हो, वरना फिर आप बहुत ही मीडियोकर पैसे कमा रहे होगे। दूसरा, लीस्ट डिपेंडेंट ऑन टेक्निक एंड स्ट्रेटजी, भाई हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जो उभरता है ना वो उभरता है स्ट्रीट्स से, जितने प्लेयर्स हमारे स्ट्रीट्स पे बनते हैं उतने हमारे क्लब्स के अंदर नहीं बनते, और स्ट्रीट्स पे गेम क्या होता है, टेप चढ़ाओ, बॉल कराओ, छपाक छक्का मारो, कुछ नहीं सोचना कि ब्रो बैट स्पीड, ब्रो 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 कवर ड्राइव, छक्का छक्का चाहिए। तो जब पाकिस्तान के क्रिकेट का निज़ाम ही कुछ ऐसा है जो T20 डिमांड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान उस फॉर्मेट में थ्राइव करेगी, जो एनवायरनमेंट T20 उनको देता है वो उनके लिए घर की बात है, घर की खेती है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि आप जिस तरह बड़े होते हो और जिस तरह आप अपने एक्सपीरियंस से गुजरते हो, तो आप एक सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट के आदी, और एक सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में आप अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाते हो, बिकॉज आपने वो एनवायरनमेंट बहुत ज़िंदगी में देखी होती है। इस बात से लेकिन मैंने अपना रूटीन कैसे ठीक किया, मैं बताता है। बेसिकली जब से मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, मैं बड़ा कोशिश कर रहा था कि मैं अपना रूटीन ठीक करूँ, रूटीन ठीक करूँ से मतलब कि मैं रात को 12 बजे सोऊं, सुबह 6 बजे उठूँ, एक्सरसाइज करूँ और नाश्ता करूँ, और फिर पूरे दिन काम करूँ, फिर रात को सो जाऊँ 12 बजे। लेकिन मैं उस पर फेल हो रहा था, बिकॉज जैसे ही रात के 12 बजते थे, भले मैं दिन में 1 घंटा सोया हूँ या 2 घंटा सोया हूँ, रात के 12 बजते थे मेरी नींद सारी भाग जाती थी ब्रो, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, दिमाग मेरा 24,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ रहा होता था।
तो बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं वो अपना रूटीन फिक्स नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? मैं इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मैंने जिंदगी भर, भले मेरा ए लेवल्स हो, भले मेरी यूनिवर्सिटी हो, भले मेरी जॉब हो, मैंने जिंदगी भर मेरा रूटीन ही रखा है कि मैं रात को 3-4 बजे तक सो रहा हूँ और मैं 3-4 बजे तक कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ, या तो कुछ लिख रहा हूँ, या कोई आइडिया सोच रहा हूँ, या कोई मूवी देख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। मैं 4 बजे से पहले नहीं सो रहा। लोगों को मसला हो सकता है, मुझे नहीं होगा बिकॉज मैंने पूरी रात जागने की मुझे बचपन से आदत है। तो मैंने रियलाइज किया कि ब्रो तू रात की एनवायरनमेंट में थ्राइव करता है, तो उसके खिलाफ क्यों जा रहा है जब तुझे पता है कि रात के जो 12 से 4 के बीच का टाइम है वो तुम्हारे लिए कितना एक्टिव टाइम है और उस वक्त तुम्हारा जहन कितना चलता है, तो तुम उसका इस्तेमाल करो क्योंकि तुम्हारे लिए फायदेमंद है वो चीज़। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि अब एक काम करते हैं, अब हम 12 बजे नहीं सोएंगे, अब हम सोएंगे 6 बजे। हम दोपहर को 11:30-11 तक उठते हैं, 5 घंटे सो के। और आई थिंक अगर मैं ये अप्लाई कर दूंगा तो मुझे बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज ये मेरे मतलब की चीज़ है, मैं इसमें मेरा दिमाग ज़ाया भी नहीं होगा बल्कि ज़ाया क्या होगा, जितना बेस्ट इस्तेमाल हो सकता है उतना बेस्ट इस्तेमाल होगा। तो इस तरह मैंने अपना भी रूटीन चेंज किया है, ऑल थैंक्स टू माई लवली लवली टीम, पाकिस्तान टीम। थैंक यू फॉर विनिंग दीज अमेजिंग T20s एंड थैंक यू फॉर बीइंग द नंबर 1 T20 टीम इन द वर्ल्ड। यू टॉट मी हाउ टू चेंज माई रूटीन एंड ऑन दैट नोट Yeah.